नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन दैट इज काय चिकित्सा एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी दैट इज क्रिया शरीर। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन वी हैव द टीम ऑफ द डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स। यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी ऑन 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ कि आयुर्वेदिक दवा के बारे में, ज्यादातर जेनेरिक मेडिसिन्स के बारे में, जो हमारी संहिता ग्रंथ में जिसका उल्लेख आ चुका है। तो आज का विषय है, आज की जो दवा है वो मेडिकेटेड ऑयल है, एक औषधि सिद्ध तेल है जिसका नाम है विष गर्भ तेल। माई गॉड, विष! सर व्हाट इज दिस? इज इट टॉक्सिक? डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। विष गर्भ तेल एक औषधि वनस्पति तेल है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर हम बाहरी तरीके से करते हैं। तो इसके जो घटक द्रव्य है उसमें से प्रधान रूप से गणेर मूल, धोत्रा मूल, धत्तूर जिसको बोलते हैं संस्कृत में, निर्गुंडी मूल, जो बहुत ही बेहतरीन एनाल्जेसिक है, वातग्न द्रव्य है। हमारी जो मस्कुलोस्केलेटल या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं हमेशा हम निर्गुंडी का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर उसकी वेपर जो होती है स्टीम वो देने के लिए, मतलब नाड़ी स्वेद का इस्तेमाल करते समय, फोमेंटेशन का इस्तेमाल करते समय निर्गुंडी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। ज्यादातर उसकी सिंगल हर्बल टैबलेट भी अवेलेबल है। रुई का मूल मतलब रूट्स होते हैं, इन सब का हम काढ़ा या डिकॉक्शन बनाते हैं। उसके साथ साथ तेल बनाते समय कुछ कल्क के लिए, पेस्ट बनाने के लिए कुछ वनस्पति का हम इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादातर और भी कुछ लिक्विड्स होते हैं जैसे कांजी है, तिल का तेल है, धत्तूर है, कोष्ठ, कड़लावी, बचनाग। एक बचनाग एक बेहतरीन एक विषारी द्रव्य है, फिर आयुर्वेद के हिसाब से उसकी शुद्धि करने के बाद वो बेहतरीन औषधि द्रव्य बन जाता है। देवदार है, दारू हल्दी है, पीवड़ा धोत्रा है, रासना, ये भी एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी काम करती है। रासनादि काढ़ा तो बहुत प्रचलित है, कणेर है, मालकांगोनी, मिरे। मिरे तो मेटाबॉलिक स्टिमुलेंट है, हमारी मांसधात्वग्नि का कार्य अच्छा करने के लिए, ब्लैक पेपर, मरीच का काम अच्छा होता है। दंती एक बेहतरीन लैक्सेटिव है, जटामांसी एक ट्रैंक्विलाइजर है, वेखंड एक स्टिम्युलेंट है, चित्रक हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी, अग्नि मांद्य दूर करने के लिए काम आती है। मोहरी, सरसप बोलते हैं जिसको, सरसों का तेल हम जानते हैं। एरंड मतलब रिसिनस कम्युनिस, ये एरंड कास्टर ऑयल इतना बेहतरीन है कि सब वात विकार के ऊपर उसका महत्व, एक एक आयुर्वेद में एक श्लोक आता है कि एक आम वात गजेंद्रस्य शरीर वनचारिणा एक एवाद गृहणी हंता एरंड स्नेह केसरी। तो एरंड एक ऐसा स्नेह है कि जिसका उपयोग, जिस जो लुब्रिकेंट है, फैटी सब्सटेंस है, सामावस्था में भी कर सकते हैं और निरामावस्था में भी कर सकते हैं। ये थोड़ा आयुर्वेदिक कंसेप्ट है, आम अवस्था और निरामावस्था। दोष जब बिगड़ जाते हैं तो उनमें कभी कभार जब बुखार ज्यादा आता है तो उसको हम सामावस्था बोलते हैं। जो भी आर्थराइटिस है उसमें बुखार ज्यादा होता है तो सामावस्था हो गई। टट्टी को तकलीफ होती है, मतलब टट्टी अच्छी साफ नहीं होती, कब्ज की शिकायत होती है, पेट फूल जाता है, ये सब सामावस्था के लक्षण है। उसके टट्टी साफ सुथरी हो रही है या बुखार नहीं है, सिर्फ दर्द होता है हमारी गठिया रोग में, तो उसका मतलब है निरामावस्था है। तो ये एरंड जो है ना, वो सामावस्था निरामावस्था दोनों में काम करता है। लाक्षा हड्डियों को, कार्टिलेजेस को, टेंडॉन्स को जुड़ने के लिए मदद करता है, मतलब रीजनरेशन, पुनर्निर्मित के लिए लाक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है। त्रिफला एक बेहतरीन रसायन है और लज्जालु है, ये सब काम पेस्ट बनाते हैं। विषगर्भ तेल के घटक द्रव्य देखे तो पता चलता है कि इसमें कनेर, धोत्रा, रुई, पीला धोत्रा, बचनाग, ये तीखे, गर्म और जहरीले पदार्थ शामिल है। और ये ऐसे मतलब ये टॉक्सिक नहीं होते, पहले टॉक्सिक रॉ फॉर्म में होते हैं, बाद में हम उसकी शुद्धि करवा कर उसके द्वारा हम तेल बनाते हैं। फिलहाल रॉ स्वरूप में उसका स्वरूप विषैली होने के कारण, लाइक टॉक्सिन होने के कारण, इस तेल का नाम भी विष गर्भ तेल रखा है, मतलब जिसके ओरिजिन में, जिसके क्या बोलते हैं ना, गर्भ का मतलब बहुत ही न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ विषारी पदार्थ रॉ फॉर्म में है। फिलहाल जब इस्तेमाल करते हैं तो पूरी शुद्धि करने के बाद ही इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपको पता चल गया क्यों इसका नाम विष गर्भ तेल है। विष गर्भ तेल का उपयोग मुख्य रूप से एक्सटर्नल बाह्यता किया जाता है, ऐसे बहुत ही दुर्लभ मामले, रेयर स्केयर्सली ऐसा हो सकता है कि बहुत ही कम मात्रा में, बूंद की मात्रा में हम इस तेल का उपयोग आभ्यंतरतः ओरली पेट में लेने के लिए भी वैद्य की सलाह के बाद ही
कर सकते हैं। सावधान, खुद के मन के हिसाब से अंदर लेने की कोशिश मत कीजिए। इस तेल का उपयोग किए जाने वाले विषाक्त पदार्थों में गर्म तीखे गुण होने होते हैं, और ये जो गर्म तीखा गुण है ये वात विरोधी कार्य करता है, मतलब मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को काबू में आने के लिए विषगर्भ तेल का अभ्यंग मसाज बहुत काम आता है। ये जो पदार्थ है वात के बढ़ने से होने वाले जो दर्द होता है, क्योंकि वात दोष जहां प्रकुपित हो जाता है तो दर्द वेदना ये उसका प्रमुख लक्षण होता है, तो वेदना कम करने के लिए एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है ये विषगर्भ तेल में। इसमें रासना, एरंड, कुष्ठ, देवदार, मिरे, चित्रक, सरसों जैसे अन्य पदार्थ भी उष्ण वीर्यात्मक है, मतलब उसके द्वारा हीट जनरेट हो जाएगी हमारी शरीर में अंदर भी और बाहर भी, तो वैजो डायलेटेशन हो जाएगा। वैजो डायलेटेशन हो जाने के बाद रक्त प्रवाह बढ़ जाएगा, रक्त प्रवाह बढ़ जाएगा तो अपने आप उधर के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो निकल जाएंगे और जो न्यूट्रिएंट्स है वो अंदर आ जाएंगे। ये बेनिफिट होता है जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। जहां कहां भी रुकावट है, जहां कहां भी स्रोतोरोध है, वो दूर निकालने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन दूर करने के लिए, आम का पाचन करने के लिए विषगर्भ तेल काम आता है, और उसके द्वारा हमारी वेदना, हमारा दर्द बिल्कुल चला जाता है। इस गुणों के कारण विषगर्भ तेल का उपयोग दर्द सहित सभी प्रकार के गठिया में मालिश के रूप में किया जाता है। मांसपेशियों का दर्द, ब्राकियल न्यूराइटिस, साइटिका जो कमर के द्वारा नीचे एक पैर में दर्द होता है, साधारण गठिया नॉर्मल आर्थराइटिस, आमवात रूमेटिक फीवर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस सब प्रकार के गठिया रोग में और अन्य रोग में जहां दर्द है, जहां मस्कुलर पेन है, जहां लिगामेंट का पेन है, जहां टेंडॉन का पेन है, जहां बोनी जॉइंट्स का पेन है, जहां न्यूरोलॉजिकल पेन है, सभी प्रकार के दर्द वेदना नाशक ये विषगर्भ तेल है। अगर कहीं आपको मोच आ गई हो, जो एंकल स्प्रेन बोलते हैं ना, उसे भी तेल को मलने से वो दर्द बिल्कुल कम हो जाएगा, और सभी प्रकार की गतिविधियां, मतलब मूवमेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सब प्रकार की जो मूवमेंट है, गतिविधियां हैं, वो ठीक ठाक हो जाएगी। वात से होने वाले रोग जो होते हैं उसके दो प्रकार आयुर्वेद में बताए हैं। एक प्रकार है कि शरीर की धातुओं की क्षय होने के कारण। कौन से धातु है हमारे शरीर में? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातु। इनमें कमी, कमी का मतलब उनकी जो सारता है, हीन सारता या मध्यम सारता, इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी में कमी आ गई, डेफिशिएंसी आ गई, तो उसके द्वारा भी वात प्रकुपित हो जाता है, और उसको हम कहते हैं आयुर्वेद सिद्धांत में धातु क्षयजन्य वात प्रकोप। धातु क्षय, क्षय का मतलब टीबी नहीं, डेफिशिएंसी, कमतरता, कमी। चाहे ब्लड कम हो तो एनीमिया हो गया, मसल कम हो तो वेट लॉस हो गया, है ना, जानते हैं, हड्डियां कमी हो तो बोन डेंसिटी कम होगी, तो धातु क्षयजन्य वात प्रकोप एक प्रमुख प्रकार होता है, यहां पर लिखा है नीचे वाले हिस्से में। और दूसरा प्रकार होता है, आई एम सॉरी, आई विल गो बैक, यहां पर एक दूसरा प्रकार में वायु के मार्ग में रुकावट आ जाती है। वात का जो वहने जो मूवमेंट है, चाहे वो मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट है, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट है, नर्व इंपल्सेस हैं, केमिकल प्रसारण होना है, जहां कहां भी मूवमेंट है, उस मूवमेंट को कहीं भी कौन सी भी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, चाहे वो थ्रोम्बोसिस हो, चाहे वो एम्बोलिज्म हो, चाहे वो क्या बोलते हैं ना, लैक्टिक एसिड का ऑब्स्ट्रक्शन हो, चाहे वो आयुर्वेद के हिसाब से आम द्रव्य का ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उस वात प्रकार को हम बोलते हैं आयुर्वेद मार्गावरोधजन्य वात प्रकोप। ध्यान से सुनिए, एक है धातु क्षयजन्य और दूसरा है मार्गावरोधजन्य, ऑब्स्ट्रक्शन, डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी में विषगर्भ तेल का उपयोग ज्यादा नहीं होता, डेफिशिएंसी डिसीज में, क्योंकि ये हॉट है, ये धातु क्षयजन्य जब होता है ना तो नरिशमेंट की जरूरत है, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन निकालना है तो स्ट्रांग ऑयल चाहिए, तो विषगर्भ तेल का उपयोग है। तो वात प्रकार के दो प्रकार के, दूसरा प्रकार जो है ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी, मार्गावरोध में, स्रोतोरोध में विषगर्भ तेल ज्यादा काम करेगा।
ठीक है। आमतौर पहले प्रकार के जो बोला था धातु क्षय जन्य, उसमें न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, फिलहाल आयुर्वेद वैद्य जो होते हैं वो युक्ति पूर्वक बाय स्किलफुल टैक्टिक्स दे कैन यूज दिस ऑयल इवन इन द फर्स्ट टाइम। धातु क्षय जन्य वात प्रकोप होने का जो अटैक आ जाता है, चाहे को चाहे देखिए मेरे को मेरी एजिंग के हिसाब से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में शुरू में जो ज्यादा वेदना होती है ना, बहुत दर्द होता है, एकाएक अटैक आ जाता है मेरे को, तो तभी हम बोलते हैं कि पहले विषगर्भ तेल सिर्फ 2 दिन लगाओ, बाद में स्टॉप। धातु क्षय जन्य वात प्रकोप से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। फिलहाल उसी के भी जब पेन ज्यादा था मेरे को, तकलीफ ज्यादा थी, अकड़न ज्यादा थी, तो 2 दिन सिर्फ या 1 दिन विषगर्भ तेल लगाया, बात खत्म। बाद में थोड़ी वेदना कम हो जाने के बाद पूरे महीने में, पूरे साल भर में मैं विषगर्भ तेल नहीं रिकमेंड करूंगा, मैं बोलूंगा आप नारायण तेल लगाइए, शतावरी का तेल लगाइए, बला तेल लगाइए, धन्वंतरम तेल लगाइए। दोनों बात समझ रहे ना आप? तो ये बात होती है कि विषगर्भ तेल ज्यादातर ऑब्स्ट्रक्टिव में काम करेगा। फिलहाल कभी कभार एक थोड़े से अवधि के लिए शुरुआत में वह धातु क्षय जन्य वात प्रकोप में भी हम ये तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। विषगर्भ तेल में निहित सभी जहर और उनके गर्म तीखे गुण, क्योंकि रासना, एरंडी, देवदार, मरीच ये वातनाशक पदार्थ हैं, जटामासी, वेखंड, सरसों जैसे सुगंधित एरोमेटिक और वातनाशक पदार्थ, सभी का इसके ऊपर संस्कार हो जाने के बाद ये विषगर्भ तेल दोनों प्रकार के गठियों में, धातु क्षय जन्य और मार्गावरोधजन्य में हमेशा काम करता रहेगा। फिलहाल धातु क्षयजन्य वात रोग व्याधि में इसका इस्तेमाल बहुत सीमित स्वरूप से हम करेंगे, परमानेंट नहीं। इस तेल की मालिश मतलब रगड़ने से दर्द तो कम होता ही है, साथ ही साथ मांसपेशियां और जोड़ों की जो गति को नॉर्मल लाने के लिए, प्राकृत करने के लिए काम करेगा। गति कौन सी है? ये आकुंचन है, ये प्रसारण है, ये रोटेशन है, सब समझ रहे ना, ये सब मूवमेंट्स नॉर्मल हो जाएगी, हयात की, पैर की, कमर की, सबकी ठीक हो जाएगी। उपरोक्त सभी रोगों में दुर्लभ मामलों में इस तेल का अत्यल्प मात्रा में पेट में अभ्यंतरता देने से भी फायदा मिल सकता है। तो इसकी मात्रा क्या होती है? बाहर लगाने हैं तो अपने अपने हिसाब से जहां जितना लगाना है वो लगा सकते हैं, पेट में लेना है तो सिर्फ 5 से 10 बूंद ड्रॉप्स 2 टाइम्स इन अ डे विथ मिल्क हम देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हर्बल तेल का ये विषगर्भ तेल जो है, हाथ पैरों के एक रिवीजन तरीके से, और ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, हाथ पैर की अकड़न, लकवा पैरालिसिस और गर्दन में, यहां पर अकड़न में आयुर्वेदिक उपचार में किया जाता है, साथ ही साइटिका, मांसपेशियों का दर्द, नसों का दर्द, न्यूरोलजिया, कमर दर्द, बैकेक के लिए फायदेमंद है विषगर्भ तेल। यह शामक होने के साथ साथ दर्द में भी राहत देता है, जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द सूजन में राहत दिलाता है, रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन सुधार लाता है, जोड़ों और मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है। इसके अलावा इसका उपयोग कान में, यहाँ कान में घंटियां बजना और संवेदना की कमी मतलब टीनिटस बोलते हैं ना, इसमें भी कभी कभार वैद्य की सलाह के द्वारा और उसके बाद ही आप ईयर ड्रॉप्स की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सावधान, यदि आप इसे बाहरी अनुप्रयोग के रूप में लागू करते हैं तो इस पुच को कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा। हालांकि यदि आप गर्भवती और बच्चों में इस तेल का उपयोग नहीं करते हैं तो सबसे बढ़िया है। इट्स टेक व्हाई यू आर टेकिंग सम रिस्क, डोंट यूज इन द प्रेग्नेंट वुमन एंड द वेरी स्मॉल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स। इसके अलावा आकस्मिक मौखिक सेवन से विषाक्त पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ गया आपको तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बच्चों की नजरों के साथ साथ उनकी पहुंच से भी ये दूर रखने की जरूरत है। इस पूंछ को ठंडी और सूखी जगह पर और सीधी धूप से दूर रखने की जरूरत है। घर बैठे बैठे आप ये मंगवा सकते हैं, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी भी कौन सी भी तरीके का हेल्थ प्रॉब्लम है तो डरिए मत, आयुर्वेद एकेडमी के एक्सपर्ट डॉक्टर पेड कंसल्टेशन के लिए आपके साथ मौजूद है। सिर्फ आपको फोन के बजाय व्हाट्सएप करना पड़ेगा। ये वीडियो बनाते समय औषधि हो या डिसीजेस हो, मैं हमेशा डिस्क्लेमर बता देता हूं कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना जरूरत है।
कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू वेरी मच।